कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा वार्ड 38 पावर हाउस बस स्टैंड में खुदीराम बोस का 114वां शहादत दिवस मनाया गया। उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा संगठन के अध्यक्ष सुमन सिल के नेतृत्व में महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस का 114वां शहादत दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने खुदीराम बोस के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आयोजन में उपस्थित लोगों ने कोलकाता के इंडियन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर शहीद खुदीराम बोस के नाम रखे जाने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों के द्वारा आज शहीद खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस मनाया गया। इस शहादत दिवस के मौके पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों के द्वारा भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल के सरकार से, जो कि पूरे विश्व में ईडन गार्डन का जो क्रिकेट ग्राउंड है, वो ग्राउंड भारत के प्रथम गवर्नर, वो भी विदेशी गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड के नाम से उनके बहनों के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम को बदलने की सख्त आवश्यकता है और उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है और इस संबंध में अर्थात शीघ्र प्रधानमंत्री एवं पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। बहरहाल इस अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।